सरकार बनने के बाद मोदी जी ने इस इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा चुनाव संकल्प पत्र में भी था कि सरकार बनने के बाद हमारी प्राथमिकताओं में उन 13 जिलों में इस योजना को लेकर आना है और ये मोदी जी की गारंटी है। यही एक अटूट विश्वास है जो जनता के विश्वास पर मां मोदी जी ने इस योजना को मंजूरी दी। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का और हमारे जनशक्ति मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी का और हमारे तीनों माननीय मंत्री यहाँ उपस्थित है सभी का मैं प्रदेश की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं। और ये जनहित में किसानों के लिए एक मैं सोचता हूं बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस योजना की स्वीकृति जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कई वर्षों से ये मामला चल रहा था, लेकिन डबल इंजन की दोनों सरकार यहां से जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और वहां से इस योजना को मैं सोचता हूं कि एक उड़ान मिली और कल ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक समझौता हुआ जो 20 वर्षों का विवाद चल रहा था उसमें एक ऐतिहासिक निर्णय मैं सोचता हूं एक अध्याय बनेगा और ये सर्वांगीण विकास का एक बड़ा योजना साबित होगी। मैं सोचता हूँ राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में, राजस्थान के 13 जिले और मध्य प्रदेश के 13 जिले, इन सभी जिलों को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 83 विधानसभा और राजस्थान की आबादी का लगभग 40% हिस्से को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के समय और हमेशा से आप लोगों ने देखा है कि जो वादे दिए उनको चुनावी वक्त में याद आए और सिर्फ आनंद फानंद में बिना किसी योजना के उनको डिक्लेयर करने की परिपाटी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट कहा कि डबल इंजन की सरकार बनते ही हमारी प्राथमिकताओं में ईआरसी की योजना होगी। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 3 जिलों की 525 एमसीएम पानी उस योजना के माध्यम से योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना से झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दूसरा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक जिला, इन सारे जिलों में इनकी 83 विधानसभा में इस योजना का लाभ मिलेगा। इसीलिए लोगों को मोदी जी की गारंटी पर सबको विश्वास है, जो कहा इलेक्शन ड्यूरिंग इलेक्शन जो कहा वो करके दिखाया। संशोधित पार्वती कालीसिंह चंबल लिंक परियोजना और पैदल के लिए बहुत बड़ी लंबे समय से जो समस्या चल रही थी उसका उपयोग होगा, सदुपयोग होगा। 2003 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदियों को जोड़ने की योजना की एक शुरुआत हुई थी और उसमें सुरेश प्रभु जी को एक बोर्ड बनाकर उसका चेयरमैन भी बनाया था, लेकिन ध्यान में आता है कि 2004 में ईआरसीपी में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, भालपुर बैराज, नवनेरा बैराज, भैंस बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरता बांध का क्षमता वर्धन, पुनर्निर्मित बांधों का 26 बांधों का पुनरुद्धार, मैं सोचता हूँ इससे बड़ी संख्या में डैम भरे जाएंगे, बहुत बड़े स्तर पर किसानों को और क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 25 लाख से ज्यादा किसानों को इरिगेशन और पैदल
की उपलब्धता होगी, जिसमें लगभग 40% राजस्थान की आबादी इसको इसका लाभ मिलेगा। राज्य के लगभग 2,80,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई जल उपलब्ध हो पाएगा, जो राजस्थान में पिछले काफी समय से वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था। मैं सोचता हूँ इस परियोजना से वाटर लेवल भी हमारा बढ़ेगा। और इंडस्ट्री के सेक्टर की हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र में, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र भी आएंगे, इस प्रदेश का रोजगार भी बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से ये योजना जो कई वर्षों से लंबी थी, निश्चित रूप से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, राज्य की उन्नति और प्रगति के लिए ये योजना एक महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं इसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का, जिन्होंने और सरकार में शामिल हमारे सारे मंत्रियों का, तो सरकार में शामिल सरकार बनने के बाद लगातार मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के लिए इनिशिएटिव लिया, दिल्ली जाकर बात की, और माननीय प्रधानमंत्री जी की हरी झंडी के बाद हमारे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर कल समझौता किया। हमारे जनशक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र जी, इन सबका मैं फिर से राजस्थान की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत धन्यवाद। पूरे देश के अंदर तीन तीन लोकसभा पर एक क्लस्टर के रूप में चुनाव की कार्य योजना बनाने के लिए एक संरचना की गई है। उसी के निमित्त भरतपुर, धौलपुर, करौली और टोंक सवाई माधोपुर क्लस्टर का मुझे प्रभारी के तौर पर संगठनात्मक काम, लोकसभा का कार्यालय हमारा शीघ्र खुल जाए, चुनाव कार्यालय फरवरी के तीसरे सप्ताह तक विधानसभा में हमारे चुनाव कार्यालय खुल जाए, हमारी चुनाव समितियां, प्रबंधन समितियां और किन मुद्दों को लेकर हम चुनावी दंगल में उतरेंगे उनका चिन्हितीकरण, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने लगभग दस साल के कालखंड के अंदर इस देश को जो ऊंचाइयां दी है, गरीब कल्याण के जो काम हुए हैं, 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा के ऊपर निकल गए, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, G20 जैसे सफल आयोजन और आराध्य देव राम का मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर में बिजली, घर घर में पानी, इन सारी योजनाओं को लेकर जो शानदार वातावरण बना है, इस बार मिशन 25 की 25 सीटें, लोकसभा की सीटें राजस्थान के अंदर फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीते, हर बूथ पर हमारे 10% वोट बढ़े, इस मिशन के साथ आज टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के दायित्ववान कार्यकर्ताओं की कार्यशाला हम करने जा रहे हैं। आज का दिन इन दोनों जिलों के लिए स्वर्णमय दिन है, एक नया सूरज उदय हुआ है। ERCP का मॉडिफाइड रूप पार्वती काली सिंह चंबल लिंक PKC प्लस ERCP कल MOU मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार के मध्य हुआ है। भजनलाल जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इन 13 जिलों की है। इन 13 जिलों के अंदर जहां एक और 2 लाख से ज़्यादा नया CCA एरिया खुलेगा, वहीं 13 जिलों के अंदर पीने के पानी का प्रबंध होगा। 13 जिलों में 2,80,000 हेक्टेयर के अंदर सिंचाई का सर्जन होगा। टोंक जिले के सवाई माधो, बिसलपुर, मानसी, गलवा और टोरडी सागर, इनमें इस योजना के माध्यम से पानी की आवक होगी। सवाई माधोपुर की ढील मुई और सुरवाल, इन बांधों में पानी आएगा, और सवाई माधोपुर में 1,29,000 हेक्टेयर, टोंक में 37,513 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई होगी। टोंक जिले में 112
एमसीएम पानी सवाईमाधोपुर में 71 एमसीएम पानी सिर्फ पेयजल के लिए उपलब्ध होगा। ये आईएलआर के तहत ये प्रोजेक्ट भारत सरकार का जो 2004 के अंदर एक सपना देखा गया था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसकी बुनियाद रखी थी नदियों से नदियां जोड़ने, उसके तहत ये पहला प्रोजेक्ट है। 40,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 90% पैसा सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी और 10% पैसा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार देगी। इसमें इस योजना का डीपीआर बन रहा है। मूल ईआरसीपी के अंदर जो कुछ बांध बच गए थे उन बांधों को सम्मिलित करते हुए इन 13 जिलों के अंदर जहां पीने के पानी की बुनियादी मांग को पूरा करने वाला ये प्रोजेक्ट होगा, वहीं सिंचाई के लिए अतिरिक्त एरिया सर्जन करेंगे। ये जीवन रेखा ये भजन लाल जी को बधाई देने के लिए कार्य समिति में भी प्रस्ताव आएगा और हम सब लोग उसके साक्षी बनेंगे। मैं समझता हूँ कि छोटे से कालखंड के अंदर जहाँ गरीब को 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात को कहें या गैंगस्टर और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चला के 9,600 अपराधियों को जेल के सींकचों में डालने की बात हो या भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात हो अथवा आरपीएससी जो हमेशा बदनाम थी, हर बार पेपर और पेपर लीक, उसकी बुनियाद को ठीक करके सफलतापूर्वक 2-3 पेपर करवाने की बात हो, इन सारी बुनियादी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नया प्रारंभ किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री जी का गुलाबी नगरी में आगमन, जहां एक तरफ देश के नहीं विदेश पूरे संसार के मानचित्र पर एक बार फिर गुलाबी नगरी आ रही है। कुछ बुनियादी बातें थी जो मुझे आपको कहनी थी। ईआरसीपी के बारे में कांग्रेस की राजनीति किसी से छुपी हुई नहीं है। जब ये आखिरी महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण रख रहे थे सदन में, जो कैबिनेट से अप्रूव था, उसके पैरा 170 में इन्होंने कहा कि हम 2051 तक इस परियोजना का पूरा करेंगे। 2051 यानी एक पीढ़ी निकल जाए और भजनलाल जी की सरकार ने जो आगाज किया है उसके लिए हम साधुवाद देने के लिए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आए हैं।